मैं कुछ कपल्स की तस्वीरें जो लगा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट आप लोग बताइएगा मुझे, दिखाइए जरा, लगा दीजिए। There you go, दानिश एंड आयजा, ब्यूटीफुल कपल, परफेक्ट कपल, परफेक्ट, गुड, ब्यूटीफुल, अच्छा कपल है, कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। लगाइए जी, दिखाइएगा आगे। वो शायद सोशल मीडिया पे बेचारे बदनाम बहुत हुए इस चक्कर में, क्योंकि कहीं कहीं उनके लिए बड़ी, तो वो उनका तो बीच में ये भी था कि शायद डिवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत दुआ की थी कि ये साथ रहे, क्योंकि दो बहुत ऐसा कपल था जब इनकी शादी हुई थी, लोगों को बहुत अच्छा लगा था। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, वैसे भी रिलेशनशिप में इश्यूज तो आ जाते हैं, लेकिन मैं हाज़िर बेबी हो गया तो फिर मोहब्बत उस पे हावी हो गई। आप क्या मतलब, आप भी तो कुछ बोले ना। मैं पता है, मैं ये सब इन्होंने सबने कहा वेरी नाइस, ये वो, असल चीज़ शादी का क्या है। हमारे यहाँ पे शादी जो है ना एक बिज़नेस बन चुका है, इसमें लड़का करता क्या है, काम क्या करता है, कैसा है, लंबा चौड़ा, पूरा एक ऐसा लगता है कोई दो कारोबार कर रहे हैं और दुकान ले रहे हैं। ये दुकान नहीं होती है, ये कारोबार नहीं होता, ये दिलों, देखिए जो मैंने तस्वीर को कहा वेरी नाइस, वो क्या था उसमें एक जज्बा, एक फैमिली, एक बाकी सारे भी, मतलब आप देखिए एक होती है मोहब्बत जो कि क्रिएट किए जाते हैं, और एक मोहब्बत होती है जो अंदर से आ जाती है। क्रिएट क्या होती है कि आप माहौल पैदा करें, मोहब्बत खुद तो खुद हो जाएगी, ठीक है ना जी। मैं अक्सर कहता हूँ कि मोहब्बत को आप दुकान ना बनाएं। नहीं, बट ऑल दीज कपल्स जिनके हमने तस्वीरें लगाई हैं, दे आर जेन्युइनली लव एंड माशाल्लाह माशाल्लाह, वी ऑल प्रे कि ये इसी तरह के इनकी मोहब्बत रहे, इनको देख के लोग इंस्पिरेशन हासिल करें। दैट्स व्हाई वी हैव पुट दिस ऑन। दिखाइए जी एक और तस्वीर, दिखाइए। जो मोहब्बत है ना नजर आ रही है तस्वीर में इन लोगों की, तो आदमी को इधर या हमारे पास मौजूद नहीं है, तो आपको उधर डॉक्टर साहिबा में क्यों नहीं नजर आई वो डॉक्टर? देखिए बात ये है कि देखिए हमारा एक रिस्पेक्ट का एक रिश्ता होता है, ऑफ कोर्स, फिर रिस्पेक्ट के साथ फिर दोस्ती आती है, फिर दोस्ती के बाद मोहब्बत, और फिर शादी होती है। हम डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, कर सकते हैं। हाँ, हम फिर बाद में अफसोस होता है, यार वो थी तो अच्छी शुरू में, पता नहीं बाद में क्या हो गया। ओ अच्छा, तो ऐसा भी है। और आगे दिखाइए। और दिखाइएगा, आगे दिखाएं। Very beautiful, जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मायरा खान की जो अभी शादी हुई है, कितनी खुशी से, और very nice, very very nice. So to me, I think that's really good. तो प्यार हो गया, शादी हो गई, अब let's come to social media. What do you think social media का कितना influence होता है आजकल की शादियों में? बहुत ज़्यादा होता है। Oh, this is nice. शादी का occasion, अच्छा, this is also very nice. सारा अली खान. Cool. क्या कह रही? सारा अली खान. हाँ सर, look at that. That's Anushka. Oh, that's beautiful. Very अच्छा, nice. एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, please. यहाँ पे आ गई है। कौन आ गई? कौन है? कैटरीना कैफ। भाभी जी। Yes. No. In all honesty, it's just a silly joke. That's about it. I wish them the very best, and of course, they really. I just love their couple. Yes. I think they're just amazing. They're just beautiful, two very beautiful people and extremely talented. और विक्की कौशल का तो मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूँ जब से मैंने डंकी देखी है। आई एम टेलिंग यू, दिस गाय हैड दिस 15 मिनट का रोल, बट वो 15 मिनट का रोल पूरी पिक्चर पे भारी था भाई। जी, पूरी पिक्चर पे भारी था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस गाय इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, सो अमेजिंग, वेरी गुड कपल, वेरी क्यूट कपल, दैट्स वेरी नाइस। मुझे बताइए शादी में सबसे ज्यादा क्या चीज काउंट करती है? अस्मा, कॉम्प्रोमाइज सबसे ज्यादा काउंट करता है शादी?
एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और मोहब्बत. रिस्पेक्ट एंड मोहब्बत. यू कॉम्प्रोमाइज, लव, रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें काउंट करती है. मैरिज में ये नहीं कह सकते हम के एक चीज होती है. मतलब एक दूसरे का ख्याल रखें. वन थिंग दैट काउंट्स रियली द मोस्ट, आई थिंक, रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट सर. देखिए, कॉम्प्रोमाइज कुछ अरसे तक रहती है, फिर खत्म हो जाती है, एक हद होती है. मगर मोहब्बत अगर आप करेंगे ना हमेशा, तो फिर आपकी शादी बरकरार रहेगी. परेशानियों में भी आप मोहब्बत में एक साथ रहेंगे, खुशी में भी, गम में भी. ये मोहब्बत आपको प्रोटेक्ट करती है आपके तमाम प्रॉब्लम्स को. तो इस मोहब्बत को मत छोड़िएगा, चाहे आप किसी भी उम्र में पहुंच जाए. अगर आप चाहते हैं शादी सक्सेसफुल हो, तो मोहब्बत को मत छोड़ें. पैसा आने जाने वाली चीज़ है, शोहरत, हर चीज़, बीमारियां, परेशानियां आएगी, चले जाएगी, मगर अगर मोहब्बत होगी ना, तो फिर आप के लिए एक स्ट्रेंथ पैदा होता है, आपके पार्टनर के लिए. सर, आपने मुन्ना भाई MBBS देखी है? जी. अच्छा, बताऊंगा आपको. आप बाद में जब भी दीजिएगा. मैं आपको ब्रेक में बताऊंगा. जब भी जरूर दीजिएगा. मांग रहे हो? नहीं, जब भी बप्पी नहीं मांग रहा. मैं कुछ और बोल रहा था. कोई नहीं बोल रहा. प्यार की जप्पी तो देखा. प्यार की जप्पी कौन लो है? लोग जो सुन रही हैं, आपको भी प्यार की जप्पी मिलेगी. मगर ख्याल किससे? वो समझ गए. आज रेडियो पे बहुत कॉल्स आने वाले. आज तो ब्रेक लेते हैं. आज हम सब ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद.